ओके, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले कि आप अधिकावी नन्हनी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। सारे प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ में। लेट्स सी, ठीक है। तो आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, अप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होगी, कब क्या किस तरह से न्यू अपडेट डेट एलिजिबिलिटी पैटर्न सिलेबस के बारे में इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं अधिकावी नन्हनी यूनिवर्सिटी 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म को जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा, बट अभी किया गया नहीं है, तो देर फॉर मैं आपको डेट नहीं बता सकता। तो इसका नाम क्या था, ठीक है, नन्हनी इसका पहले नाम था। द फर्स्ट कंफर्म नोवल लिस्ट ऑफ द टैक्स कलेक्शंस इन द तेलुगु लैंग्वेज में यहाँ पर थी, ठीक है, कलेक्टेड तेलुगु लैंग्वेज में थी। अब यहाँ पर आपको क्या बताना चाहता हूँ, पोजिशनल्स राजा मुहुद्री इस आंध्र प्रदेश इंडिया में थी और 2006 में मार्च में रिकोगनाइज हुआ था थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एक्ट नंबर 28 ऑफ 2006। अब यहाँ पर क्या मैं बताना चाहता हूँ, अच्छे समझिए अच्छे से, ठीक है। आपके सारे अपडेट्स, जैसे कि आपके पूरे साल में आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में होते हैं, डेट्स होती हैं, एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, ये सभी पता चीज़ें होनी चाहिए, आप हर एक बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपके कब किस तरह से क्या चीज़ आपके रिलीज़ होंगे। यूनिवर्सिटी के नाम आपके पता होने चाहिए, जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है, AKNU शॉर्ट नेम है, ठीक है। आप फुल फॉर्म में बोलना चाहेंगे तो अधिकावी नन्हनी यूनिवर्सिटी फुल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्स कौन सा ऑफर कर रहा है, आपको UG एंड PG कोर्सेज भी ऑफर करता है ये यूनिवर्सिटी। आपको ऑनलाइन मोड से आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, आपका एग्ज़ाम तो ऑफलाइन मोड से ही डिसाइड किया गया है अब। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, ओके। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब यहाँ पर चीज़ें बताएगी। अब यहाँ पर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के सारी के सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, एडमिशन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, नए नए अपडेट, नए नए लेटेस्ट अपडेट चलते हैं सब आप देख सकते हैं, ओके। एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईमेल एड्रेस देख सकते हैं, और भी सारी चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है, कौन से स्टेट में, आंध्र प्रदेश में, कंट्री कौन से में अवेलेबल है, ये सारे एड्रेस वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ओके। अभी आपको इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते कुछ, यहाँ पर अपडेट्स पता ही नहीं है तो पहले तो आपको पहले पता होना चाहिए डेट, कि कौन से डेट पे, कौन से मंथ में, कौन से मतलब टाइमिंग पे आपकी क्या रिलीज़ होने वाली है, क्या सारी चीज़ों के बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए। आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे, लास्ट डेट के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ मतलब एंड होने के, और हॉल टिकट कभी आपके रिलीज़ किया जाएंगे, रिज़ल्ट कभी डिक्लेयर किया जाएंगे, सभी चीज़ों के बारे में आपको अपडेट्स होना ज़रूरी है। तो आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको न्यूज़ आपके डेट कुछ रहेंगे उसमें आपको चेक करनी होगी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ हो रहे हैं, तो वही डेट बस चेक करनी है और उस डेट पे आपको उस इवेंट को अप्लाई करनी है और स्टार्ट कर देनी है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। और आपके जो भी वहाँ पर मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं, नेसेसरी इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर फिल करनी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लाइक आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन डिटेल्स होती है, एजुकेशन डिटेल्स होती है, कम्युनिकेशन डिटेल्स एक्सेट्रा, एंड अटैच करना होता है फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जरूर करनी है, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आप रजिस्ट्रेशन करते समय ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आफ्टर द फिलिंग ऑल द ऑब्लिगेटरी डिटेल्स अटैचिंग इमेज अप्लीकेंट मेनी एडवांटेज टूवर्ड द पेमेंट फॉर एप्लीकेशन फ़ी, तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फ़ी मतलब तो कंप्लीट कर देनी है, ऑनलाइन मोड से आप मिल जाएगा करने को, यूज़ कर सकते हैं आप, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ ऑनलाइन मैनर ऑल नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, फॉर पेमेंट करने के लिए, ठीक है, ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। अभी यहाँ पर एलिजिबिलिटी को सेट किया गया जो ऑफिस, सो एलिजिबिलिटी कितना सेट किया गया यहाँ पर ऑथोरिटी के थ्रू, अगर आप UG कोर्स में अप्लाई करने वाले हैं तो आपको 50% मार्क्स सिक्योर करनी पड़ेगी इन द क्लास 12th में। तो आपको 12th क्लास कंप्लीट हो रही चाहिए, मिनिमम कितना 50% मार्क्स चाहिए होता है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, एलिजिबल होने के लिए। तो ये इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है आपको, आप यहाँ पर इतना परसेंट मार्क्स लाते हैं तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो पाएंगे, एडमिशन ले पाएंगे बैचलर्स डिग्री के लिए। तो कौन से बैचलर डिग्री होते हैं यहाँ पर, BA होता है, BSc होता है, BCom, BA, LTT, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो अगर आपको ये सारे बैचलर डिग्रीज़ में आपको अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको परसेंटेज भी लाने पड़ेंगे। अगर आप इनकेस रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक SC, ST, OBC वगैरह जैसा होता है, तो रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 45% मार्क्स लाते हैं तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एलिजिबिलिटी बस इतना ही सेट किया गया तो आप देख पाएँ और उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। पैटर्न्स तो नॉर्मल यहाँ पर कि कितने परसेंट कितने मार्क्स के लिए होंगे, टोटल कितने नंबर, ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर होंगे, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको
नेगेटिव मार्क्स नहीं रहते थे यहाँ पर। अगर आपका एक क्वेश्चन के आंसर आपने लिखे, उसके आंसर आपने राइट लिखे, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसा सेट किया गया, 3 घंटे का टाइम है आपके पास, फटाफट आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि कैसे प्रिपेयर करनी है आपको सिलेबस, पहले तो आपको पता होना चाहिए सिलेबस के बाद यहाँ पर प्रिपरेशंस कैसे करनी है, क्योंकि सिलेबस में आपको सब्जेक्ट पता है कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। तो टॉपिक्स आपको पता है, तो टॉपिक्स पता होने के बाद आपको सिर्फ टॉपिक्स पता ही नहीं रखना है, आपको प्रिपेयर भी करनी है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं, देयरफॉर आपको प्रिपरेशंस तो करनी पड़ेगी। आप डे बाय डे टाइम टेबल फॉलो करें, आपको कैसे क्या करनी है, प्रीवियस ईयर के आप सिलेबस लें, उस चीज़ को अच्छे से रिवाइज़ करें, ताकि आपको और ईजी पढ़े, आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो इस चीज़ को आप ध्यान से सारी चीज़ें करिए, ताकि आप काफ़ी अच्छे कॉन्फिडेंसली एग्ज़ाम में लिख सकें, ठीक है। आप एडमिट कार्ड कहाँ से देख पाएंगे, एडमिट कार्ड किस तरह से कैसे आपको मिलेगा? तो एक ही एनयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, वहाँ पर ऑनलाइन मोड के थ्रू मिल जाएगा, हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और वहाँ पर प्रिंट आउट निकालने के बाद आप जो है क्या करेंगे, एग्ज़ाम सेंटर जो होंगे उसमें आपको लेकर के जाना होता है साथ में। स्टेप टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, क्या है स्टेप डाउनलोड करने का आपका, स्टेप जो यहाँ पर डाउनलोड करने का, पहले तो आपको ऑनलाइन मोड ओपन करनी होगी, फिर आपको एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, डाउनलोड द एडमिट कार्ड, गेट द प्रिंट ऑफ द एडमिट कार्ड, शो इट ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। तो स्टेप टू डाउनलोड एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे क्या होगा। अब ठीक है, एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आपका एग्ज़ाम होने के बाद आपको आंसर की भी मिलेगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा, वहाँ से आप आंसर की को चेक कर सकते हैं। आंसर की से आप चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन के कौन से आंसर लिखे थे, तो आपको थोड़ा कुछ ऐसा लगेगा कि अच्छा, मैंने ये तो राइट लिखा, ये भी राइट लिखा, ये रॉन्ग लिखा, जो भी है। तो आप ऑब्जेक्शन भी उसमें मे भी ले सकते हैं, अगर ऐसा कुछ रहा आंसर की रिलीज़ होता है तो, मतलब उसमें ऐसा कुछ रहता है, एक रूल बनाया जाता है कि ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं। तो आप पीडीएफ अगर एक बार चेक करें, ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आंसर की नहीं रिलीज़ होती है तो डायरेक्टली आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको मिल जाएगा ऑनलाइन मोड्स के थ्रू, तो आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो रिज़ल्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, और एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, टेक कॉपी ऑफ रिज़ल्ट आपको फ्यूचर यूज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल है, आपके रिज़ल्ट को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेने हैं। फिर आपके एडमिशन प्रोसेस होते हैं, जिस प्रोसेस में आपको कंप्लीट करना ही करना होता है, जो ऑफिशियल मैनर ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हैं उस प्रोसेस को। तो ये काफ़ी ईजी पढ़ने वाला है, आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने यहाँ पर बता दी है, सारी के सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ईजी है एंड काफ़ी यूज़फुल है, एंड आपको इसे नोट डाउन जरूर कर लेना चाहिए, या फिर एक बार दोबारा आप इस पेज पर आएँ और सारी चीज़ों को एक बार जरूर रीड करें कि क्या मैंने बताया, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा क्या करनी है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार लिंक जरूर चेक करें, इस पेज का मैंने दिया हुआ है, इस पेज पर आएँ और आप भी चेक करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।